का जन्मदिन 31 दिसंबर को पड़ता था, जो कि साल का आखिरी दिन था। इस दिन लोग 12 बजे उसका बर्थडे और न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करते थे। उसके इस बर्थडे के दिन उसकी आंट ने उसे एक उइजा बोर्ड लाकर दिया। मैरी की आंटी को पता था कि उसे हॉरर स्टोरीज और हॉरर नॉवेल्स बहुत पसंद है। उन्हें यह भी पता था कि उसके लिए बहुत से लोग पहले से ही हॉरर नॉवेल्स लेकर आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक उइजा बोर्ड ले लिया। उइजा बोर्ड देखते ही मैरी खुशी के मारे चिल्ला उठी और उसे लेकर अपने रूम में भाग गई। उसने अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी बुला लिया। रूम में जाने के बाद वो दोनों लोग उइजा बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, एक स्पिरिट को बुलाने के बाद उसे वापस भेजना बहुत जरूरी है, वरना वो स्पिरिट उस उइजा बोर्ड को यूज करने वाले इंसान पर कब्जा कर लेती है। मैरी ने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े और उसने अपने दोस्त के साथ उइजा बोर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने उइजा बोर्ड के ऊपर एक ग्लास रखा और उस ग्लास पे अपनी उंगली रखी और पूछा, क्या यहां पर कोई आत्मा है? शुरू शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उइजा बोर्ड का ग्लास राइट साइड पर बने यस की तरफ अपने आप चला गया। वो दोनों लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम एक चुड़ैल हो? फिर से उइजा बोर्ड का ग्लास राइट साइड पर बने यस की तरफ अपने आप चला गया। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड थे और उस आत्मा से अलग अलग तरीके के सवाल करने लगे। क्या तुम बता सकती हो कि यह नया साल मुझे क्या देने वाला है? उइजा बोर्ड बहुत तेजी से हिलकर उस पर बने अल्फाबेट्स पे जाने लगा। FRIND, फ्रेंड। ओह, मुझे एक नया दोस्त मिलेगा। क्या तुम बता सकती हो कि इस नए साल मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है? तभी उइजा बोर्ड बहुत तेजी से हिलकर उस पे बने अल्फाबेट्स पे जाने लगा। NOTHING, नथिंग। ये देखकर मैरी बोली, ऐसे कैसे? इस साल मेरी फैमिली के साथ कुछ तो होना चाहिए, कोई तो इवेंट होगा। फिर से वो ग्लास अलग अलग अल्फाबेट्स पे चलने लगा। DEATH, डेथ। ये देखकर मैरी और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। तभी नीचे से आवाज आई कि वो नए साल का और मैरी का बर्थडे का केक काटने वाले हैं। मैरी उइजा बोर्ड को वैसे ही छोड़कर अपनी दोस्त के साथ नीचे चली गई। नीचे जाते ही केक काटने के लिए मैरी के हाथ में चाकू पकड़ाया गया। तभी अचानक उस घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मैरी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। उसने अपना मुंह बड़ा करके इतनी जोर की आवाज निकाली कि उसका जबड़ा ही टूटकर नीचे गिर गया। उसने उस चाकू से अपने पास खड़े अपने फैमिली मेंबर्स और सारे मेहमानों को मारना शुरू कर दिया। तभी उसकी दोस्त चिल्ला पड़ी, हमने उस आत्मा को वापस नहीं भेजा, उसने मैरी पर कब्जा कर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैरी अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी और उसे भी जान से मार दिया। सारे मेहमान मैरी को देखकर उस घर से भाग गए। इसके बाद मैरी या जो कोई भी उसके अंदर था वो अपने कमरे में आ गया और उस उइजा बोर्ड के साथ खेलने लगा। इस खौफनाक न्यू ईयर पे उस आत्मा को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था और अब जो भी उसके और मैरी के बीच में आता वो मार दिया जाता।